हेलो जी, केम छो तमे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इस रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में आप है, आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए वास्तव में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए आपसे इस रिलेशनशिप में। तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दें। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ये रेजोनेट हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए आपसे। तो ये जो पर्सन है ना, इन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है आपसे, आपसे इन्हें रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में आप हो ना उसमें आपसे इन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए, एक्सपेक्ट ये सारी। जैसे कि अगर आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंजूसी करते हो, तो उन्हें ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल आप दिल खोल के बातें करो, बिल्कुल जैसे एक देने वाला नेचर होता है ना, बिल्कुल आप वैसे बनो और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल दिल खोल के निछावर कर दो। वो ऐसा चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, आपके पास वो सब कुछ है, फिर भी आप देना नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, फिर भी आप इस रिलेशनशिप में कुछ करना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बात करने में भी कंजूसी करते हैं, आप खुल के बात नहीं करते हैं उनसे, उन्हें अपना वक्त नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, जो कि उन्हें चाहिए आपसे। यहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि आप मैच्योर कम हो, आपको आत्मबोध की कमी है, यानी कि आप बचपना ज़्यादा करते हो, उन्हें आप में बचपना ज़्यादा दिखाई देता है। तो वो चाहते हैं कि आप में मैच्योरिटी आए, आप बिल्कुल एक कली से फूल की तरफ आगे बढ़ो और आप बिल्कुल एक मैच्योर वाली जो हरकतें होती है ना, आप उस तरह से बिहेव करो और बिल्कुल उस तरह से रहो। आप यहाँ पर आपको अकेला रहना पसंद है, लेकिन उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल ना बिल्कुल जैसे होता है ना कि साथ में रहने वाला पर्सन हो, बिल्कुल खुश रहने वाला पर्सन हो, उन्हें ऐसा चाहिए कि आप जो बिल्कुल थोड़ा सा सैड भी रहते हो, यहाँ पर बहुत जल्दी सैड हो जाते हो, तो उन्हें ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। आप उन्हें ऐसा चाहिए कि बिल्कुल आप ना खुश रहो, मस्त रहो, बिल्कुल हैप्पी रहो। और उन्हें जो पर्सन, उन्हें जो इस रिश्ते में चाहिए ना, कि कोई ऐसा हो जो क्रिएटिव करे सारी चीज़ें, मीन्स कि क्रिएटिव बना दे इस रिलेशनशिप को, बहुत ही क्रिएटिव बना दे। जैसे कि होता है ना कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा सीरियस अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा कोई एक पर्सन होता है जो थोड़ा नटखट हो, थोड़ा मस्ती मजाक वाला माहौल बना दे, कुछ क्रिएटिव कर दे। वे जैसे हम कहीं और जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो उस पल को इंजॉय करे, भले एक चॉकलेट भी खा रहे हो तो उसे इंजॉय करे, उस पल को इंजॉय करे। तो उन्हें ऐसा चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए इस रिलेशनशिप में ना, बिल्कुल एक न्यू जान डालने को वो सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक क्रिएटिव पर्सन हो, तो आप बिल्कुल वैसा बिहेव करो, आप दोनों की बातों को ना साथ में लेकर चलो, आप दोनों की बातों को सुनो। उन्हें ऐसा चाहिए जो दिल और दिमाग दोनों की सुने, यानी उनकी भी सुने, खुद की भी सुनाए, उन्हें ऐसा पर्सन चाहिए। और वो सोचते हैं कि जैसे अगर उन्हें कोई सक्सेस भी मिलती है, या रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा सक्सेसफुल होता है, या कुछ भी उन्हें सक्सेस मिलती है, तो उसे दोनों ही शेयर करें। या रिलेशनशिप में होता है ना कि सिर्फ एक ही पर्सन एफर्ट डालता है और दूसरा कुछ नहीं करता है, और इसमें ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा पर्सन चाहिए जो डाउन टू अर्थ हो, ईगो बिल्कुल भी ना हो उसमें, और वो ऐसा ना जताए कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिए, तुमने मुझे नहीं दिया। कंपेयर ना करे और बिल्कुल खुद को एक
लेवल ऊपर लेवल पर ना रखे, दोनों को एक बराबर में रखे। उन्हें ऐसा इस रिलेशनशिप में चाहिए और उन्हें चाहिए कि उनकी बातें ना कुछ सुने प्यार से और बिल्कुल समझे सुने, जज ना करे। जैसे होता है ना कि कोई दोस्त हमारा है, परेशान है, तो हमें आता है सुनाने के लिए, हमारी वो अपनी बातें सुनाने आता है, उसके पास उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे जज करने लगते हैं। अरे तू तो है ही ऐसा, तूने ही ऐसा किया, तूने ऐसा नहीं किया, तुझे ये करना चाहिए था, तुझे वो करना चाहिए था। अरे भाई वो सुनाने आए हैं अपनी बातें, तो तुम्हें बस सुनना है, कुछ बोलना नहीं है। उसको पता है कि उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो आपको बस सुनने की ज़रूरत है। आप सुन लोगे, उसका मन हल्का हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा उतने में ही। तो बस आपको यहाँ पर रिसेप्टिविटी यानी कि सुनना है, आपको यहाँ पर ध्यान से उसकी बातें सुने, उसे समझे और उसकी सारी चीज़ें सुने, उसे जज ना करे। ऐसा उसको सामने वाले को, आपके जो पार्टनर है उसे, आप इस रिश्ते में आपसे ये सारी चीज़ें चाहिए, वो ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि आपके साथ ये सारे, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो इस रिलेशनशिप में, आपसे वो ये सारी चीज़ें चाहते हैं। तो अब आपको पता चल गया, तो क्या आप रेडी हो ये सारी चीज़ें करने के लिए? तो ये है मैसेज, ये है गाइडेंस आपके लिए। तो कितना आप रेजोनेट कर पाए, कितना नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, एनर्जी क्लेम ज़रूर कर लीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, प्लीज़ कमेंट में एनर्जी क्लेम कर लीजिए, उनका नाम लिखकर, या तो आप एंजल नंबर भी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉर वॉचिंग।